हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी एक रेसिपी शेयर करूंगी, वो है चावल के खीर। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर दूध, इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और ये है चावल, इसको मैंने अच्छे से भिगो के रखे थे, तो ये भीग चुका है अच्छे से। और ये है गोविंद भोग चावल, इसको बंगाली में गोविंद भोगी बोलते हैं, और मुझे नहीं पता हिंदी में इस चावल को क्या बोलते हैं। ये अड़ुआ चावल है, ये पका हुआ चावल नहीं है, कच्चा चावल है। तो इसको मैंने डाल दिया है जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाए तब। इसको मैं एक बार चला लूँगी, और अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। और यहाँ मैंने लिया है कुछ काजू, और ये है आलमंड, और एक छोटी इलायची। और मैं जो ये इलायची है इसको मैंने तोड़ के इसके जो बीज है अंदर का वो मैं डाल दूंगी खीर में। और एक बार चला लूंगी, इसको बीच बीच में चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे ना लग जाएगा, जल जाएगा खीर। तो यहाँ मैंने जो आलमंड लिया हुआ था उसको मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी, इस तरह से मैं घिस लेती हूँ तो अच्छे से मिल जाएगा। और कुछ मैं रख दूँगी इसको, जो गार्निश करूँगी मैं उस टाइम मैं डालूँगी। तो यहाँ मैंने आधा से भी ज़्यादा इस तरह से घिस के मैं दे दूँगी इसमें। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने घिस लिया है, और देखिए इस तरह से। और मैं जो काजू लिया था उसको मैं हाथ के मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ लूँगी इस तरह से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल बटन को क्लिक कीजिए, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस तरह से मैं देखिए बीच बीच में ऐसे ही चलाती रहती हूँ, नहीं तो नीचे जल जाएगा। तो सारे काजू को मैं इस तरह तोड़ लूँगी, और कुछ रख दूँगी, तीन चार काजू रख दूँगी, और उसको दो हिस्सों में मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। इसको मैं गार्निश करूंगी जब खीर को, तब मैं इसको डालूंगी। और देखिए मैंने इस तरह से इसको दरदरा कर लिया है, और इसको मैंने आधा आधा करके तोड़ लिया है। तो आधा पक चुका है मेरा चावल, अब मैं डाल देती हूँ इसमें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और भी पकेगा चावल, और भी पकना है। तो मैं इस तरह से चला चला के अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद मैं चीनी डालूँगी। अभी अगर चीनी डाल दिया तो खीर एकदम चावल गलेगा ही नहीं और अच्छा नहीं बनेगा। तो चावल इधर पक चुका है, अब मैं डालती हूँ इसमें चीनी। ये आप अपने अपने हिसाब से डालिए, कितना मीठा खाते हैं आप लोग उस हिसाब से डालिएगा। तो हम ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ही डाला है। इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी, चीनी डालने के बाद थोड़ी देर और पकाना है, और गैस को एकदम कम कर देती हूँ। और थोड़ी देर पकने के बाद मैं देखती हूँ तो एकदम गाढ़ा हो चुका था। ओके
खीर बन गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो पहले मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।